हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आजर यही क्लास रे हमें डिस्कस करवा सेट थ्योरी एंड रिलेशन रो किछि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जोटा कि आपण मानकर ओ स्टेट कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर जो थ्रे भी आपण मानकर सेट थ्योरी रिलेशन चैप्टर आसुची तो ता एटा बहुत ही हेल्पफुल हबो। तो सेति पे आपण माने वीडियोटा को पूरा फर्स्ट टू नहीं कि लास्ट पर्यंत तो देखंतु तो जादर कि पूरा ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपण मानको बुझी आसीबो। ठीक अछि, सो चलन तो आज वीडियो को स्टार्ट करवा। तो देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको कौन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नल सेट। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन रे देखो तो हमको से चारटा ऑप्शन दे तो से कोई कि कोटा गोटे नल सेट को रिप्रेजेंट कर। तो नल सेट को आउ कौन कहा जाए, देखो तो नल सेट को एम्प्टी सेट मध्य कहा जाए। ता माने बेसिकली से हमको कोटा गोटे एम्प्टी सेट बोली पचारि। तो ऑप्शन देखो तो दिया है कौन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक अच्छे, सो एक्सटा टी कौन हो रियल नंबर होची जोटा कि ये कंडीशन को सैटिस्फाई करुच्ची। तो जदि या आम सल्व करवा देखो फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपन फोर। तो एक्स रैल्यू के वन प्लस माइनस वन बै टू आस सो प्लस माइनस वन बै टूटा हूँ गोटे रियल नंबर। सो दैट मीन ये केवे भी गोटे एम्प्टी सेट हो कि एम्प्टी सेट होनी कहीं यार दुटा एलिमेंट आसूसी गोटे प्लस हाफ गोटे माइनस हाफ। सो ये एम्प्टी सेट है कि एम्प्टी सेट है मैंने ऑप्शन ए ए टू कैंसल होगापर आई जातु ऑप्शन टू को। ऑप्शन टू कौन दिखाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्सटा नेचुरल नंबर होता दरकार एंड कंडीशन कौन ना एक्स जितेबाला ऑड हो एक्स प्लस थ्रीटा गोटे इवेन नंबर होता दरकार। तो सपोज करूँ कि मुझ एक्स जगार वन नेली ओड नंबर मैंने कौन वन थ्री फाइव ये सब नहीं पार। ठीक अच्छे, सो एक्स प्लस थ्री करी मानने देखो वन प्लस थ्री कर फोर आसला इवेन नंबर है मैंने ये भी आमको गोटे एलिमेंट मिलेगा कि ना वन मिलेगा। तापर मुझे एक्स जगह सपोज करूँ कि थ्री रखिली कहीं एक्सटा ओड नंबर अच्छी तो एक्स जगह मुझे थ्री रखिली तो एक्स प्लस थ्री के थ्री प्लस थ्री सिक्स होने इवेन नंबर। सो एटी आपण मानक कौन हो एलिमेंट एक्जिस्ट करें एटा के गोटे कौन हो ना एम्प्टी सेट हो नल सेट हो तो ऑप्शन बी भी कैंसिल होगापर आंतु ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्सटा रियल नंबर एलिमेंट एंड एक्स स्क्वायर लेस देन थ्री। ठीक अच्छे, एक्स स्क्वायरटा कौन होस देन थ्री ही थोड़ा। तो सपोज करूँ कि मुझ रियल नंबर जीरो नेली तो जीरो रो स्क्वायर के जीरो तो जीरो इज लेस देन थ्री, वन नेली वन रो स्क्वायर के वन वन इज लेस देन थ्री। ता मैंने एटी आमर एलिमेंट एक्जिस्ट करुच्छी कि नहीं, एलिमेंट एक्जिस्ट करुच्छी जीरो वन ये सब एलिमेंट एक्जिस्ट करुच्छी। सो दैट मीन्स एटा भी ताहले कौन हम गोटे एम्प्टी सेट हम कि एम्प्टी सेट हम ना। सो ऑप्शन सी बी टू कैंसल होगा तो रही कि ऑप्शन डी रहा। ऑप्शन डी देखो कौन दिखाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो। तो देखो मुझे कौन से भी रियल नंबर ने भी, सो एक्स तार जब मुझ स्क्वायर करी ठीक अच्छे कौन से भी रियल नंबर पॉजिटिव नियंतु कि नेगेटिव नियंतु कौन से भी रियल नंबर जब मुझ स्क्वायर करी मत कौन मिले स्क्वायर इज अलवेज पॉजिटिव। ठीक ना नहीं, तो मुझ सपोज करूँ कि ये माइनस टू नेली कि माइनस वन नेली कि जीरो नेली माइनस टू स्क्वायर के फोर ये कौन जीरो रू लेस कि जीरो रू लेस नुहे, माइनस वन स्क्वायर के वन होटा कौन जीरो रू लेस कि जीरो रू लेस नुहे ताने ये दुटा भी भूल। तापर देखो जीरो नेली जीरो रो स्क्वायर के जीरो, सो दिस मीन्स कौन हो जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, लेस देन जीरो हम कि लेस देन जीरो हम ता मैंने यही केस आम देखा ऑप्शन डी पे आम कौन भी एलिमेंट एक्जिस्ट करूना ता मैंने यही ऑप्शन डी टा कौन हो एम्प्टी सेट हो। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बुझी आसला। सो यही आपण मानक वेरीफाई करके देखा पड़ो ऑप्शन रू कि कौटा एम्प्टी सेट कौटा एम्प्टी सेट नुहे। ठीक अच्छे, तापर आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट वन टू थ्री। ठीक अच्छे, यहाँ गोटे आमको सेट दिखाई फॉर एग्जांपल ये आम ए सेट नहीं जब तो ये से कही कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। सो देखो मुझे कि सबसेट कौन होता है सबसेट मैंने हूँ सपोज ये ए सेट आम ने वन टू थ्री तो यही ए सेट्र सबसेट क्या कह सपोज बी गोटे आम सेट नहीं तो बी सेट्र जब सब एलिमेंट ए सेट्रे प्रेजेट अच्छे तेल बीटा कौन हम सबसेट हो पार। ठीक अच्छे, बट प्रॉपर सबसेट क्या कहा जाए देखो बीटा को जब आम सबसेट कहते तो सही प्रॉपर सबसेट भी हो पाए इम्प्रॉपर भी हो पाए। तो प्रॉपर केतेबेला हबो ना जेतेबेला बीटा ए रो सबसेट होतबो आउ बीटा ए सहित तो इक्वल हो नथिबो तो सही केस रे कहा जाए कौन प्रॉपर सबसेट। ठीक, तो ये जब आम देखा ए पाई टोटल नंबर ऑफ सबसेट के आसो टू रो पावर थ्री दिस इज एट। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा एट।
सो आमे जानीचे कौन ना एटा निजे निजर सबसेट होता है ताने एटा निजे निजर सबसेट मैंने ये गोटे सबसेट आमको एमती मिलूँ जोटा कि ए सहित इक्वाल होक्वाल हो तो सेटा को आमको कौन कराया पड़ो माइनस कराया पड़ो ताने आम टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के टू रो पावर थ्री माइनस वन ठीक अच्छे टोटल नंबर ऑफ सबसेट रु गोटे माइनस करदे कौन हो बाकी जिते भी सब प्रॉपर सबसेट थी से गुड़ाक बाहरी पड़ो तो कैसे एट माइनस वन दिस इज सेवेन ठीक अच्छे सो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट केवेन दैट इज ऑप्शन सी ठीक तापर आस जातु नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी फोर द टू इवेंट्स इवेंट्स मैंने कौन सेट ठीक अच्छे टू इवेंट्स ए एंड बी व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस ठीक अच्छे ये जो एक्सप्रेशन टा दिया यार सिंपलेस्ट फॉर्म टा कौन हम ठीक बहुत सिंपल अच्छे देखो कौन दी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी तो ये जिनसा आप वेन डायग्राम माध्यम रे बहुत ही भल से बुझीपारे देखो ये ए सेट ये बी सेट ठीक अच्छे सो ये जब आम देखा ए इंटरसेक्शन बी को पार्टा आसला ए पार्टा आसला कि ना ए पार्टा आसला ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट देखु कौन दी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो बी कॉम्प्लीमेंट कौन हो बी सेट को छाड़ी देलापर बाकी जो पोर्शन टा रहा यू आम कौन कह ये कह बी कॉम्प्लीमेंट तो या सहित जदि आम ए सेट को कौन करवा यूनियन करवा ये पोर्शन टा भी आम आसीज कि ना आसीज ठीक अच्छे तो बर्तमान देखु ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भितर कॉमन पार्ट कौट अच्छी कॉमन पार्ट देखो मुझे रेड कलर करुच्ची कॉमन पार्ट हूँ ए पार्टा ठीक ना नहीं कॉमन पार्ट ए पार्टा अच्छी कि नहीं ए पार्टा अच्छी तो दैट मीनस ए पार्टा को आम कौन कौचे ए पार्टा को आम कौचे ए इंटरसेक्शन बी ठीक अच्छे तो ये जब आम देखा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी सो ये भी कॉमन पार्ट कौटा आसव कॉमन पार्ट आम ए इंटरसेक्शन बीटा ही आसो ठीक अच्छे तो दैट मीन्स आमर एनसर कौटा होनसर हो इंटरसेक्शन बी दैट इज ऑप्शन डी बुझी आसला सो यही टाइप रत क्वेश्चन दबो आपने सब बड़े प्रिफर करेंगे भेन डायग्राम या ठीक अच्छे जदि भेन डायग्राम आपंस थे शिखी जाऊँच ना एप्लाय करवा क्वेश्चन में देन आपंपाई सेट थ्योरी बहुत ही इजी होपर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी इन ए ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट गोटे ग्रुप अच्छी जो थे कि 500 जन स्टूडेंट अच्छा तो से कौन कौन देयर आर 475 स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक बेंगोली व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी ओनली ठीक अच्छे सो ये जब आम देखा देखो मुझे जिनसटा को वेन डायग्राम माध्यम आपको बुझाऊँ तो मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करपरि ठीक अच्छे सपोज यहाँ हूँ हिंदी यहाँ हूँ बेंगोली ठीक अच्छे सो ये से आमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देसी माने कौन हिंदी और बंगाली जिते जन कौन दैट इज एच यूनियन बीटा आमको सी दे ठीक अच्छे एच यूनियन बीटा आमको दे 500 देपर से कौन कौन 475 स्टूडेंट जो मैंने अच्छा कि हिंदी कौन तामने एच के जन कौन 475 तापर बंगाली के जन कौन बंगाली कौन 200 जन ठीक ना नहीं पचार कौन से आमको हु कैन स्पीक हिंदी ओनली केवल हिंदी कही पार्थवा स्टूडेंट के तो हिंदी पोर्सन टा कौटा खाली ए पोर्सन टा रहा दैट इज यटा को जब आम देखा यहाँ हूँ कौन एच माइनस बी ठीक अच्छे सो आमको बाहर करार अच्छे एच माइनस बी तो एच माइनस बी आम कमी बाहर कर फर्स्ट अफ अल से आमको ये जो इंटरसेक्शन पार्टा रही एच इंटरसेक्शन बी एटा को बाहर कराया पड़ो तो यहाँ आम कमी बाहर करें फर्मूला जाने फर्मूला अप्लाय करूँ ओके देखो एच यूनियन बी इज इक्वल्स टू कौन होता है एच प्लस बी माइनस एच इंटरसेक्शन बी ही था ठीक ना नहीं एच इंटरसेक्शन बी सो एदी मुझी कि एच इंटरसेक्शन बी तो सेटा कौन हो एच प्लस बी माइनस एच यूनियन बी हो तो एच रैल्यू हूँ 475 बी रैल्यू हूँ 200 दिस इज 675 माइनस 500 ये केगला 175 बुझी आसला कि नहीं एच इंटरसेक्शन बी के 175 बर्तमान देखो आमको बाहर करार कौन अच्छी एच माइनस बी सो एच माइनस बीटा कौन हम तेल एच माइनस एच इंटरसेक्शन बी सिंपल तो देखो एच के दी 475 475 माइनस करी तो के 300 आसो तो सिंपल अच्छे ओके ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर तो आपली ना कि वेन डायग्राम जब आपने शिखी जाऊँच देन सेट थ्योरी आपण मूँ बहुत इजी लगे सबुठ इजी लगे सेट थ्योरी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिया है जी, लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ सिक्स एलिमेंट। ठीक अच्छे, सो आम को दुटा सेट दिया है ए एंड बी, तो से कहे कि समानकर कार्टेशियन प्रोडक्ट रे केते नंबर ऑफ एलिमेंट्स रही सिक्स एलिमेंट्स रही, सो ए क्रॉस बी रो कार्डिनालिटी होची सिक्स। और आम जाने कौन ना ए क्रॉस बी रो कार्डिनालिटी टा कहाँ सहित इक्वल होता है, ए रो कार्डिनालिटी इंटू बी रो कार्डिनालिटी सहित इक्वल होता है, तो दैट मीन्स मुझेपरि ए रो कार्डिनालिटी इंटू बी रो कार्डिनालिटी इज इक्वल्स टू सिक्स, एथेरे किसी भूल हम ना। ठीक अच्छे, तो देखो नेक्स्ट जिनस से कौन कही इफ थ्री एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर 1, 4 2, 6 3, 6। ठीक अच्छे, सो ए क्रॉस बी रो आमको से तीन टा एलिमेंट्स कौन ना गोटे हूँ 1, 4 एनदर वन इज 2, 6 एनदर वन इज 3, 6। तो ये जब आम देखा देखो फर्स्ट एलिमेंट कौ सेट्र होता है, फर्स्ट एलिमेंट ए सेट्र होता है, सेकेंड एलिमेंट बी सेट्र होता है, तो दैट इज फर्स्ट एलिमेंट ताल कौन हो 1, 2, 3, सो दिस इज 1, 2, 3। ठीक, सेकेंड एलिमेंट कौन अच्छे देखो 4, 6, 6, सो दैट इज 4 एंड 6। ठीक अच्छे, तो बी सेट्र एलिमेंट के होगा 4 एंड 6। तो देखो ए रो कार्डिनालिटी हूँ कैसे 3, बी रो कार्डिनालिटी हूँ कैसे 2, तो दुटा को जब मल्टीप्लाई करवा के आसो 6 आसो कि नहीं 6 आसो। बर्तमान से कही कौन कंडीशन आमको देखूँ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, यहाँ हो पार कि देखो जदि आम ए क्रॉस बी बाहर कले 1, 4 तो बी क्रॉस ए रे सेटा कौन हो 4 क्रॉस 4, 1 हो, तो कौन ये दुटा इक्वल कि इक्वल तो नुहे, इक्वल जदि नुहे तो कंडीशन टा के फुलफिल हम कि यहाँ फुलफिल हम नहीं, ये केत फुलफिल होता है जिते बड़े ए आ दुटा सामान था सेतबेळ ए कंडीशन टा फुलफिल हेथांता। तापर देखंतु से कोन कहउची ए क्रॉस बी रे 1, 4 1, 6 2, 4 खाली कोन एतिक एलिमेंट आसीबो कि जदी आमे ऑर्डर पेयर बनेबा, ऑर्डर पेयर केतोटी बनि पारिबो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 6टा बनि पारिबो, बट एठी से 3टा दिछि, सो दैट इज ऑप्शन सी भी भूल हेगला, आउ ऑप्शन डी तो नॉन ऑफ दिस दिया छि, सो एटा तो हबनि। तापर देखंतु ऑप्शन बी कोन दिया छि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, सो एटा हिजबो करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे, कहीं देखो ए आउ बी दुटा अलग अलग सेट, सो सेमकर क्रॉस प्रोडक्ट रे भी अलग अलग ऑर्डर पेयर आसो, बुझी आसा कि नहीं, सो दैट इज ऑप्शन बी हिज वो करेक्ट आंसर। तापर आज जानते नेक्स्ट क्वेश्चन को 6 नंबर, 6 नंबर कौन दिखाई लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन द रिलेशन आर, आर गोटे आमको रिलेशन दिखाई कौन दिखाई ए कमा बी सच दैट 1 + ab ग्रेटर देन 0। ठीक अच्छे, सो ये जिनसा आपको जब क्लीयरली भिजबल हो लिखी दूसरी, देखो आर गोटे रिलेशन दिखाई जो थी ऑर्डर पेयर अच्छे ए कमा बी एंड कंडीशन कौन सैटिस्फाई कर 1 + ab ग्रेटर देन 0। ठीक, सो यहाँ हूँ कंडीशन, सो से कही कि ए रिलेशन टा कौन हम रिफ्लेक्सीव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो आम वन बै वन चेक करवा, तो रिफ्लेक्सीव कौन रिफ्लेक्सीव्र कंडीशन हूँ कि ए रिलेशन ए होता दरकार, मीनस एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ जितेबाला हुए दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो दैट मीन्स ए रिलेशन ए जदि हम तो कंडीशन कौन हम 1 + a इंटू ए। ठीक ना, नहीं दिस मीन्स मुझेपरि 1 + a² सो 1टा हूँ पॉजिटिव, ए स्क्वेयरटा हूँ सबुबले पॉजिटिव, सो एमकर जब आम सम करवा दुटा पॉजिटिव एलिमेंट रो तो सेटा कौन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हम कि ग्रेटर देन 0 हम, सो दिस मीन्स मुझेपरि ताले 1 + a² ग्रेटर देन 0। सो फर्स्ट कंडीशन टा जो आमको दिखाई 1 + ab ग्रेटर देन 0 यही कंडीशन टाक फुलफिल करुच्छे कि नहीं फुलफिल करुच, तो जदि फुलफिल करुच्चे से रिफ्लेक्सीव को सैटिस्फाई करुच्छे कि नहीं रिफ्लेक्सीव को सैटिस्फाई करुच्छे, तो जदि रिफ्लेक्सीव को सैटिस्फाई करुच्छे बर्तमान ऑप्शन देखो रिफ्लेक्सीव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सीव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सीव, तो ऑप्शन सी टा कैंसिल होगा कहीं ये कहे कि यहाँ नॉट रिफ्लेक्सिव बट ये से रिफ्लेक्सिव सैटिस्फाई करुच्छी। ठीक, तापर आज ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट को ओके रिफ्लेक्सिव चेक कले नेक्स्ट देखा देखो ए रिलेशन बी जो दिखाई सिमेट्रिक चेक करवा, ए रिलेशन बी जदि हो तो सिमेट्रिक केस रे कौन हवा दरकार, बी रिलेशन ए जदि एक्जिस्ट कला यहाँ आमको दिहे यहाँ आमको प्रूफ करिवार थाय कि एटा एग्जिस्ट करूची, जदि एटा आमे प्रूफ करदेले कि ए रिलेशन बी पाई बी रिलेशन ए आसी पारूची ताले आमे तो कहबा कौन सिमेट्रिक कहबा। ठीक, तो बर्तमान देखंतु एटा दिया है जे माने मुठू कही पारि कि 1 + ab ग्रेटर देन 0। ठीक ना, नहीं एटा दिया है जे माने कौन ए कंडीशन टा सैटिस्फाई करूची, अच्छा जदि ए कंडीशन टा सैटिस्फाई करूची ताले कौन मु ए जिंस टा को एमती लिखि पारि नि कि 1 + ba ग्रेटर देन 0, अच्छा कौन ए बी आउ बी ए दुटा अलग अलग कि जेटा अलग अलग तो नुहे, ओके मल्टीप्लिकेशन आपने 1 × 2 करूँ 2 × 1 करूँ कौन आंसर अलग अलग बाहर कि अलग अलग बाहर, सो
ସମାନ ପାରିବ। ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି ଆଛି, ଯଦି ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲା ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଜିରୋ, ତାମାନେ କ'ଣ ବି ରିଲେସନ୍ ଏ ହେଉନି କି? ହେଉଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ତାହେଲେ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି? ସିମେଟ୍ରିକକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି। ତ ସିମେଟ୍ରିକକୁ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲା ତାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ସିମେଟ୍ରିକ ବଟ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ ବଟ୍ ନଟ୍ ସିମେଟ୍ରିକ, ତାମାନେ ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ? ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ନାହିଁ କହୁଛି ନଟ୍ ଦ ସିମେଟ୍ରିକ। ଠିକ୍, ତ ତାହେଲେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ଆଣ୍ଡ ସିମେଟ୍ରିକକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ କଥା, ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ସପୋଜ୍ ନେଲେ କି ଏ ରିଲେସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ବି ରିଲେସନ୍ ସି ହେଉଛି, ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏ ରିଲେସନ୍ ସି ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବନି, କେମିତି ହେବନି ନା, ସପୋଜ୍ କି ମୁଁ ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ କି ନେଲି ୱାନ୍, ବି ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ନେଲି ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ -2, ଆଣ୍ଡ ସି ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ନେଲି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ -3। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସପୋଜ୍ କି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ବିଟା ସପୋଜ୍ ମୁଁ -1/2 ନେଉଛି, ସିଟା ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ -3 ନେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏ ରିଲେସନ୍ ବି କରିବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, 1 + 1 × -1/2, ତ ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିବ? 1/2 ଆସିବ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଜିରୋ, ତ ଏଇଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବି ରିଲେସନ୍ ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ -1/2 ଆଣ୍ଡ -3, ସୋ 1 + -1/2 - 3 କେତେ ହେଇଯିବ? 3/2 ହେଇଯିବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 5/2, ସୋ ଏଇଟା ବି କ'ଣ ହେଉଛି, ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଜିରୋ ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ରିଲେସନ୍ ସି କଥା ଦେଖିବି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, 1 + 1 × -3, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 1 - 3 ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ -2, ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲା କି? ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲାନି, ସୋ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝି ଆସିଲା? ସୋ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥିଓରିଟିକାଲ ଦେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ରିଲେସନ୍ ସି, ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି ହେଲାନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଦେଖିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଆରାମସେ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7 କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7 କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଇଫ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଆର୍ ଏନି ଟୁ ସେଟ୍ସ, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ବନାନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ, ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି, ସହିତ ଏ ର ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି, ତ ୟା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ସେଟ୍ର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ କରିବା, ତ କମନ୍ ପାର୍ଟଟା କ'ଣ ଆସିବ, ଏ ସେଟ୍ଟା ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଏ ସେଟ୍ଟା ଆସିବ, ତ ଏଇ ପାର୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, କମନ୍ ହେଇଯିବ। ସୋ ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ଏଠି ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେଇଯିବ, ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ। ଠିକ୍, ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ, 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଲେଟ୍ ଏନ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 700, ତାମାନେ ୟୁ ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ଦିଆହେଇଛି 700, ଏ ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ଦିଆହେଇଛି 200, ବି ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ଦିଆହେଇଛି 300, ଆଣ୍ଡ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ଦିଆହେଇଛି 100। ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା, ଏ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି କେତେ ହେବ, ତ ଆରାମସେ କାଢ଼ିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଡିମୋର୍ଗନ୍ସ ଲ ୟୁଜ୍ କରିକି ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ କି ନାହିଁ, ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ୟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ଏ ର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସେଟ୍ରୁ ଆମେ ଏ ସେଟ୍ଟାକୁ ବାଦ୍ କଲେ ଏ ର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବାହାରେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସେଟ୍ରୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବିକୁ ବାଦ୍ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବାହାରିବନି କି? ବାହାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା, ତ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି କେତେ ହେଇଯିବ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି 200 + 300 - 100, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 400। ଠିକ୍ ଅଛି, 400 ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁ ହେଉଛି 700, ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ହେଉଛି 400, ସୋ 700 - 400 ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ହେଇଗଲା 300। ଠିକ୍, ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ। ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦିଆହେଇଛି, ଓକେ, ତାପରେ ସେଠି କିଛି ଡାଟା ବି ଦେଇଛି କି ଇଫ୍ ଏନ୍ ଅଫ୍ ଇ, ଇ ମାନେ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ବକ୍ସଟା ଇ ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମାନେ ସେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସେଟ୍କୁ ସୋ କରୁଛି, ସୋ ଇ ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ହେଉଛି 42, ଏ ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ହେଉଛି 15, ବି ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ହେଉଛି 12, ଆଣ୍ଡ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ହେଉଛି 22। ଦେନ୍ ସେ କହୁଛି କି ଦେନ୍ ଦ ଏରିଆ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ସେଡେଡ଼୍ ପୋର୍ସନ୍,
ତ ଯେଉଁ ସେଡେଡ଼୍ ପୋର୍ସନ୍ଟା ରହିଛି ଓକେ ଏଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଡେଡ଼୍ ପୋର୍ସନ୍ଟା ରହିଛି ତ ଟୋଟାଲ୍ର ଏରିଆଟା କେତେ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି 25 27 32 37 ଓକେ ସୋ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବିଟା କେତେ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବିଟା କେତେ ହେବ ସିମ୍ପଲ୍ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ସୋ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବିଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ହେଇଯିବ ତ ଏଠି ଏର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦିଆହେଇଛି 15 ବିର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦିଆହେଇଛି 12 ତ 15 ପ୍ଲସ୍ 12 କେତେ ହେଇଗଲା 27 27 ମାଇନସ୍ 22 କେତେ ହେଇଗଲା 5 ହେଇଗଲା ତା'ମାନେ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବିଟା ପାଇଗଲେ 5 ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାର ପର୍ସନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବାହାର ପର୍ସନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ତ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତ ବାହାର ପର୍ସନ୍ଟା ଆସିବ କି ନାହିଁ ବାହାର ପର୍ସନ୍ଟା ଆସିବ ତ ବାହାର ପର୍ସନ୍ଟା କ'ଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ବାହାର ପର୍ସନ୍ଟା ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବିର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବିର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଇ ମାଇନସ୍ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ହେଇଥାଏ କି ନାହିଁ ହେଇଥାଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସେଟ୍ରୁ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବିକୁ ବାଦ କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖେଇଲି ଓକେ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 42 ମାଇନସ୍ 22 ଦିସ୍ ଇଜ୍ 20 ଓକେ ସୋ ଏଇଟା ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ 20 ପାଇଲେ ସରି 5 ପାଇଲେ ବାହାରଟା କେତେ ପାଇଲେ ବାହାରଟା ପାଇଲେ 20 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଡେଡ଼୍ ପୋର୍ସନ୍ର ଏରିଆ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ପ୍ଲସ୍ 20 ଦିସ୍ ଇଜ୍ 25 ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼୍ ଦିଆହେଇଛି ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଦିଆହେଇଛି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ବି ଟୁ ଏ ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ବି ଟୁ ଏରୁ ଯଦି ଆମକୁ ରିଲେସନ୍ କାଢ଼ିବାର ଅଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ ବି କ୍ରସ୍ ଏର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ଇନ୍ ଟୁ ଏର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ବିର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ହେଉଛି 4 ଏର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ହେଉଛି 3 ଦିସ୍ ଇଜ୍ 12 ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ବି କ୍ରସ୍ ଏର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ହେଲା 12 ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରିଲେସନ୍ କେତେ ହେଇଯିବ 2 ର ପାୱାର୍ 12 ସୋ 2 ର ପାୱାର୍ 12 କେତେ ହେଇଯିବ 4096 ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଓକେ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସ ସଚ୍ ଦେଟ୍ ଏକ୍ସ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ଏ ଗୋଟେ ଆମକୁ ସେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ୍ସଟା ହେଉଛି ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଏଲିମେଣ୍ଟ ବଟ୍ ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି କି ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ଲାଇ କରୁଛି ମାଇନସ୍ 1 ରୁ 1 ଭିତରେ ଲାଇ କରୁଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଓକେ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ବି ସେଟ୍ରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଏକ୍ସ ସଚ୍ ଦେଟ୍ ଏକ୍ସ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଆର୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 1 ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1 ଠିକ୍ ଅଛି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 1 ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1 ଦିଆହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଡ଼୍ଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ହଟେଇବି ତ କ'ଣ ମିଳିବ ମୋତେ ଦୁଇଟା ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ମୁଁ କହିପାରିବି ପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 1 ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1 ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ମୋତେ ମିଳିବ ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 1 ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2 ହୋଇଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇ ଆସିବି ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 1 ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1 ସେଥିରୁ ମୁଁ କହିପାରିବି କ'ଣ ନା ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ସରି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 1 ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ 1 କାହିଁକିନା ମାଇନସ୍ଟାକୁ ସିଫ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ତ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ସରି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଯଦି ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ 1 1 ଏଡ୍ କରିବା ଏପଟୁ 1 କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏପଟୁ 1 ଏଡ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ 0 ହେଇଯିବ ସୋ ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0 ତ ଏଇ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ତ ଏକ୍ସର ଏଠି କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2 ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ରେ ଏଠି ଡ୍ର କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇନସ୍ 1 ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ 0 ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭଲ୍ଟା ଏଠି କମନ୍ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ତ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଏଠି କେଉଁଟା ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି ମାଇନସ୍ 1 ଟୁ 1 ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ମାଇନସ୍ 1 ଟୁ 1 ମାନେ କେଉଁ ରିଜନ୍ଟା ମାଇନସ୍ 1 ଟୁ 1 ମାନେ ହେଉଛି ଏଇ ରିଜନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ 1 ଟୁ 1 ଭିତରେ ଏତିକି ରହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0
लेस देन जीरो मैंने को रिजल्ट टा जीरो रु एपोर्ट साइड टा लेफ्ट साइड टा ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन कहला एक्स इज ग्रेटर देन टू ठीक अच्छे। ग्रेटर देन टू मैंने कौन ना ए रिजल्ट टा राइट साइड रिजल्ट। तो देखु ताल रियल नंबर लाइन जब आम देखा देखो यहाँ हूँ माइनस वन रु वन भितर लाइन टा यहाँ हूँ जीरो रु लेस देन नंबर लाइन टा एंड ये हूँ टू रु ग्रेटर देन नंबर लाइन टा। तो जब आम देखा ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू आर माइनस डी तो रियल नंबर लाइन रु आम कौ पोर्सन टू माइनस करदे आमको ए यूनियन बी मिल जाए ठीक ना। नहीं ए यूनियन बी मैंने कौन ना ए पोर्सन टा ए पोर्सन टा एंड ए पोर्सन टा टोटल पोर्सन टा आमको मिल जाए। तो कौ पोर्सन टा देखो आपण मानक ए यूनियन बी भितर आसूनी तो ये क्लीयरली आपण मानक देखा जाऊँगी कौ पोर्सन टा ना वन रु नहीं कि टू पोर्सन टा जो रही ब्लाक कलर जो मुझे करुँच ए पोर्सन टा आपर ना ठीक अच्छे। आम जब देखा ए यूनियन बी रे ए पर्सेंट ना तो मैंने कौन करवा ए पर्सेंट को आम माइनस करवा तो ये पर्सेंट को आम जब माइनस करवा तो देखो ये कौन हो वाटा कौन इनक्लूड होगी कि वाटा इनक्लूड है कि ना तो मैंने यूँ आमको वाटा को बाद करने को पड़ो बट ये जब आम देखा टूटा इनक्लूड होने टूटा को आम बाद करना ठीक अच्छे। सो आम एक्स रैल्यूटा तो कौन हम एक्स रैल्यूटा जो रोटा आम कौन हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन हम ठीक अच्छे। कहीं वाटा ये उड़ी जब ठीक अच्छे कहीं देखो वाटा ये इक्वाल टू दिया मैंने वाटा ये आप इनक्लूड होना ए यूनियन बी भितर बट टूटा इनक्लूड हो टूटा को आम हटे पारा ना सो ये कौन हो लेस देन टू हम ठीक अच्छे। टू ठार जित भी कम नंबर अच्छे से गुड़ाक माइनस हम टूटा माइनस हो पार ना तो ये पर्सन आपर कौन हम डी पर्सन हम जोटा को कि आम रियल नंबर लाइन रू बाद करुचे। सो दैट मीनस ये आमको कौटी दिखाई देखो ऑप्शन बी रे दिया दिखाई। सो ऑप्शन बी हम यार करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन थिला बट ट्रिकी क्वेश्चन थिला ठीक अच्छे। जदि आपको इंटरवल कॉन्सेप्ट क्लियर ना तो ये क्वेश्चन इजिली करेंगे ना ठीक अच्छे। तापर आसत नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन दिखाई ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो बी इज इक्वल्स टू दिखाई एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल्स टू जीरो ए माइनस बी रैल्यू पचार तो आम जब इक्वेशन सल्व करवा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो यार वैल्यू कैसे आसो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो मिडिल फैक्टर स्प्लिट कली सो एक्स कमन नहीं गले एक्स माइनस वन एटू टू कमन नहीं गले एक्स माइनस वन दिस इज इक्वल्स टू जीरो सो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो सो एक्स रैल्यू के एक्स रैल्यू आसला वन एंड टू सिंपल। तो ए सेट रे आमर दुईटा एलिमेंट आसगला वन एंड टू। बी सेट रो एलिमेंट बाहर करवा देखो कौन दिखाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल्स टू जीरो सो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल्स टू जीरो मिडिल फैक्टर स्प्लिट कले ये आसो एक्स कमन नहीं गले एक्स प्लस फोर आसो माइनस टू कमन नहीं गले एक्स प्लस फोर दिस इज इक्वल्स टू जीरो सो दिस इज एक्स प्लस फोर एंड एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो सो एक्स रैल्यू के एक्स रैल्यू आसला टू एंड माइनस फोर सो ये आम एलिमेंट कौन पाइले टू एंड माइनस फोर पाइले। तो सी आमको पचार कि ए माइनस बी तो ए सेट्रु जब बी सेट को बाद करवा तो कमन एलिमेंट कौन हो माइनस हो रहिबो कोटा जोटा रहिबो ए सेट रे तो सेट हेइबो ए माइनस बी दिस इज वन ठीक अच्छे। सो दिस मीन्स ऑप्शन सी हेइबो करेक्ट आंसर। तापर आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई ए सेट एस हाज थ्री एलिमेंट्स गोटे सेट एस दिखाई जो थी तीन टा एलिमेंट्स रही तो सी कहे कि नंबर अफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट अफ ए ठीक अच्छे। तो एस रवर सेट रलिमेंट्स के दैट मीन्स पावर सेट अफ एस कार्डिनालिटी दिस इज टू रवर एन सो टू रवर एन के तीन टाइम एलिमेंट्स अच्छे सो एन इज इक्वल्स टू थ्री दिस इज टू रवर थ्री दैट मीनस एट सो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तापर आसत नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन दिखाई फोर्टीन नंबर क्वेश्चन। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन ए दिखाई कि इफ ए एंड बी आर अनकाउंटेबल सेट्स सॉरी काउंटेबल सेट्स ठीक अच्छे। ए आउ बी जो दुटा काउंटेबल सेट हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कौन हम काउंटेबल हम सिंपल जिनस ओके सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सो यहाँ हूँ कंट्राक्चुअल टीचर आपको टू थाउज नाइंटन रोश्चन टा ठीक अच्छे। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई सपोज दैट 200 फैकल्टी मेंबर्स कैन स्पीक फ्रेंच 50 कैन स्पीक रशिया रशियन व्हाइल ओनली 20 कैन स्पीक बोथ फ्रेंच एंड रशियन सो हाउ मेनी फैकल्टी मेंबर्स कैन स्पीक आइदर फ्रेंच और रशियन ठीक अच्छे। सो ओर दिखाई मैंने आपने जाणीजे सब से कौन पचार यूनियन पचार ठीक अच्छे। आमको कौन दिखाई आमको फ्रेंच दिखाई के 200 रशियन के 50 दिखाई एंड बोथ फ्रेंच एंड रशियन के फ्रेंच एंड रशियन दिखाई 20 तो से पचार कौन आइदर फ्रेंच और रशियन दिस इज यूनियन ठीक अच्छे।
ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଓର୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ୟୁନିଅନ୍ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଏଫ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଆର୍ ହେଇଯିବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 200 ପ୍ଲସ୍ 50, 250 ମାଇନସ୍ 20, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 230। ସଫ୍ଟ ସାଇନ୍ ଡି ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍, ତାପରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଇଫ୍ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଦ କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି, ମିନ୍ସ ଏନ୍ଟା ସେ କହୁଛି କି କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ତ ସେ ଦେଇଛି କି ଏର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି 12, ଏ କ୍ରସ୍ ବିର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ହେଉଛି 36। ତ ସେ ପଚାରିଛି କି ବିର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି, ତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା, ଏ କ୍ରସ୍ ବିର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଏର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ଇନ୍ଟୁ ବିର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ସହିତ ସମାନ ହେଇଥାଏ। ସୋ ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ଏ କ୍ରସ୍ ବିର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ହେଉଛି 36, ଏର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ଦିଆହେଇଛି 12। ସୋ ବିର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ଆରାମସେ ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା। ସୋ ବିର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି କେତେ ହେଇଯିବ, 36 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 12। 36 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 12 କେତେ ହେଉଛି, 3। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଡି। ସୋ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ରିଲେସନ୍ ଆର୍ ଇଜ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ସେଟ୍ ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ରିଲେସନ୍ ବି, ବି ରିଲେସନ୍ ସି, ଦେନ୍ ଏ ରିଲେସନ୍ ସି ହୋଲ୍ଡ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମିନ୍ସ ଏଟା ବି ସହିତ ରିଲେସନ୍ କରୁଛି, ବିଟା ସି ସହିତ ରିଲେସନ୍ କରୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଟା ସି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରିଲେସନ୍ କରିବ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ରିଲେସନ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ରିଲେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଲେସନ୍ ଡିନୋଟ୍ ବାଇ ଆର୍ ଅନ୍ ଦ ସେଟ୍ 1, 2, 3 ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ରିଲେସନ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ରିଲେସନ୍ ନୁହେଁ 1, 1। ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ରହିଛି, ଏଇଠି ରହିଛି। ସୋ 1, 1 ପାଇଁ ଏଠି 1, 2 ଅଛି, ତା'ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି 1, 1 ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛି ଆର୍ ଭିତରେ, 1, 2 ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛି ଆର୍ ଭିତରେ। ସୋ ଦିସ୍ ମିନ୍ସ 1, 2ଟା ବି ଏଠି ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରିବା ଦରକାର। ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଯଦି ବି ହେଉଛି, ତ ଆମକୁ 1, Cଟା ଦେଖିବାର ଅଛି କି ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ବୁଝି ଆସିଲା, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏଠି ଚେକ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2, 3, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 3 କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ 3 ହେଉଛି, ଦିସ୍ ମିନ୍ସ 2, 1 ଥିବା ଦରକାର। ତ 2, 1 ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ରିଲେସନ୍ ହେଉନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିମ୍ପଲ ଆମେ ପାଇଗଲେ କେଉଁଟା ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ଆଉ ଚେକ୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ଅପସନ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍, ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡୋମେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଲେସନ୍ ଆର୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ ଆର୍ ଦେଇଛି, ଏହାର ଡୋମେନ୍ କ'ଣ, ଡୋମେନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଡୋମେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 8, 5, 9, 6। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେଟ୍ଟା କେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ତ ନାହିଁ, ଏଠି ବି ନାହିଁ। 5, 6, 8 ଦରକାର, 8 ଏଠି ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5, 6, 8, 9, 5, 6, 8, 9 ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦିଆହେଇଛି। ସୋ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଲେଟ୍ ଆର୍ ବି ଦ ରିଲେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ସେଟ୍ 1, 2, 3, 4 ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଦିସ୍, ଦେନ୍ ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଏଠି କେଉଁଟା ସେ କରେକ୍ଟ ହେବ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମକୁ ସେ ଦେଇଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ। ସୋ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ପାଇଁ କ'ଣ ନା, ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ଥିବା ଦରକାର। ତ 1, 1 ଅଛି, 2, 2 ଅଛି, 3, 3 ଅଛି, 4, 4 ଅଛି, ତା'ମାନେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁଟା ସେ କହୁଛି କି ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ହେଉନି ବୋଲିକି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ସିମେଟ୍ରିକ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ ନଟ୍ ସିମେଟ୍ରିକ, ସିମେଟ୍ରିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ ନଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ, ଏଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଡିସନ ଦିଆହେଇଛି ସିମେଟ୍ରିକ। ତ ସିମେଟ୍ରିକ ପାଇଁ ଚେକ୍ କରିବା, 1, 2 ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 2, 1 ଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍, ସିମେଟ୍ରିକର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ, ଏ ରିଲେସନ୍ ବି ଯଦି ଦିଆହେଇଛି, ବି ରିଲେସନ୍ ଏ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କଲେ ଯାଇକି ସିମେଟ୍ରିକ ହେବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସିମେଟ୍ରିକ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1, 2 ପାଇଁ 2, 1 ଅଛି କି ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସିମେଟ୍ରିକ ହେଉନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେଉନି, ସିମେଟ୍ରିକ ହେଉନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆମକୁ ସେ ସିମେଟ୍ରିକ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସିମେଟ୍ରିକ, ବଟ୍ ଏଠି ତ ସିମେଟ୍ରିକ ହେଉନି, ଅପସନ୍ ଏ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ବି ହେବନି, କାହିଁକି ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ହେବନି, କାହିଁକି ନା ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ସିମେଟ୍ରିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ ତିନିଟା ଯାକ ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲେ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ହୁଏ, ବଟ୍ ଏଠି ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ହେବନି କାହିଁକି ନା ସିମେଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍, ସୋ ବଞ୍ଚିଲେ କି ଅପସନ୍ ବି, ସୋ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସିମ୍ପଲ ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଅପସନ୍ରୁ କାଢ଼ିଦେବେ ଆନ୍ସର୍ଟା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାଲକୁଲେଟିଭ୍ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ 1 by 1 ସବୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଲେଟ୍ ଏକ୍ସ ବି ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସେଟ୍ ଫର୍ ଦ ସେଟ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଆଉ ବି ପାଇଁ ଏକ୍ସଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସେଟ୍। ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କି ଏ ରେ 200 ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବି ରେ 300 ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ରେ 100 ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଏ
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रे 300 एलिमेंट अच्छे सो से एक्स रो हमको को कार्डिनालिटी पचार बहुत सिंपल क्वेश्चन है ओके ट्रिकी क्वेश्चन टा बट सिंपल अच्छे देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट माने कौन ए यूनियन बी रो कॉम्प्लीमेंट ठीक ना नहीं तो ये जिनस टाक आम कौन लिखि पार एक्स माइनस ए यूनियन बी लिखि पार कि नहीं लिखि पार तो यार भैल्यूटा के 300 दिखाई कि नहीं 300 दिखाई सो दिस मीन मुझ डायरेक्टली 300 पुट करी एक्स माइनस ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 300 ए यूनियन बीटा केमुक जना अच्छे कि जना नहीं तो मैंने बाहर करवा तो ए यूनियन बीटा के देखो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी 200 300 100 ठीक अच्छे 500 माइनस 100 के 400 हो गला सिंपल सो एक्स माइनस 400 इज इक्वल्स टू 300 सो एक्स रो वैल्यू के 300 प्लस 400 दिस इज 700 ठीक सो दिस इज ऑप्शन बी रे दिया है तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तो ये आपको कैलकुलेटिव फॉर्मूला गुड़ाक पूरा माइंड रे फिट होगा दरकार तापर आज जानतो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए इज इक्वल्स टू एक्स कमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ 2x वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बी गोटे सेट दे एक्स कमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ माइनस 2x वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर तो से कहे कि ए इंटरसेक्शन बीटे कौन हम अच्छा जदि मुझे सपोज करूँ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर मुझे एक्स जगह कौन से भी गोटे पॉजिटिव नंबर रखुच्ची ठीक अच्छे पॉजिटिव नंबर दैट इज 1 2 3 4 कौन से भी नंबर रखिली तो वाई रैल्यू के रो पावर 2x आसो एंड बी रे आसो वाई पावर ई पावर माइनस 2x आसो दिस इज 1 बाय ई पावर 2x सो ये दुटा के सामान हो पारे कि सामान हो पारे ना बट गोटे कंडीशन रे सामान हे जदि मुझ एक्स जगह जीरो रखीदेवि कहीं एक्सटा रियल नंबर मैंने जीरो भी हो पार ठीक अच्छे जदि मुझ जीरो रखीदे एक्स जगह तामने कौन है देखो वाई इज इक्वल्स टू ई पावर जीरो दिस इज वन वाई इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस टू इंटू जीरो दिस इज अल्सो जीरो इज इक्वल्स टू वन ठीक अच्छे सो जदि आम एक्स जगह जीरो रखिदेव तो वाई रैल्यूटा दुटा केस कौन आन आसने ये आमको कौन हो गए कमन एलिमेंट मिल जाऊँगा जीरो तो ये मुझे कहीपरि कौन ना यहाँ गोटे सिंगल टर्म सेट हम ठीक तापर आज जानते नेक्स्ट क्वेश्चन को 23 नंबर क्वेश्चन कौन दिखाई इन कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट गोटे कॉलेज 300 जन स्टूडेंट अच्छा से कौन कौन एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज पेपर प्रत्येक जन 5टा न्यूज पेपर पढ़ती तो 300 जन जदि अच्छा 5टा जदि पढ़ले तो पाखापाखि 1500 न्यूज पेपर पढ़ुंट ठीक नेक्स्ट कौन देखिए एवरी न्यूज पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट बट से कौन कि प्रत्येक न्यूज पेपर 60 जन स्टूडेंट पढ़ती तो आम पाखे अच्छी के 1500टा न्यूज पेपर अच्छी तो 1500 न्यूज पेपर आउ एवरी न्यूज पेपर को 60 जन पढ़ती तो दिस मीनस डिवाइडेड बाय 60 जो आम कहदे के देखो ये छे जदि या कैनसल करवा फर्स्ट अफ अल् थ्री कैनसल कर तो थ्री कैनसल कले टू होती कैनसल कर 50 दिस इज 25 ताने से आमको पचारे कि नंबर ऑफ न्यूज पेपर के सो नंबर ऑफ न्यूज पेपर तेल के आसला ये देखो 25 आसला कि नहीं 25 आसला सो एक्जाक्टली 25 दिस इज ऑप्शन सी हिज करेक्ट आंसर सिंपल तापर आस जा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कौन दिखाई रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर कंडीशन आमको दिखाई एक्स माइनस वाई गोटे इंटीजर तो से कहे कि ये रिलेशनटा गोटे को रिलेशन हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस कौन हम आम चेक करवा ठीक अच्छे रिफ्लेक्सिव मैंने देखो एक्स रिलेशन एक्स हो दरकार तो एक्स माइनस एक्स के जीरो आसरोटा कौन गोटे इंटीजर नुहे कि इंटीजर ताने रिफ्लेक्सिव तो सैटिस्फाई से करुच्ची ठीक अच्छे तापर आज जानते नेक्स्ट कंडीशन दिस इज सिमेट्रिक तो एक्स रिलेशन वाई होती आमको चेक कराक पड़ो वाई रिलेशन एक्स ठीक अच्छे वाई रिलेशन एक्स आमको चेक कराक पड़ो सो दिस मीन्स मुझे कि एक्स रिलेशन वाई मैंने कौन एक्स माइनस वाईटा हूँ गोटे इंटीजर ठीक अच्छे तो एक्स माइनस वाईटा जदि इंटीजर तो वाई माइनस एक्सटा कौन हम माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई ठीक ना नहीं सो दिस मीन्स एटा भी गोटे इंटीजर हम कि नहीं इंटीजर हम तो दिस मीन्स ये सिमेट्रिक को भी सैटिस्फाई करुच्चर आज जानते ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव कौन ना एक्स रिलेशन वाई वाई रिलेशन जेड हो तो आमको चेक कराक पड़ो कि एक्स रिलेशन जेड हो ठीक अच्छे सो एक्स रिलेशन वाई मैंने कौन एक्स माइनस वाईटा गोटे इंटीजर वाई रिलेशन जेडटा हो मैंने कौन ना दिस इज वाई माइनस जेडटा हूँ गोटे इंटीजर
ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଜର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଜର୍, ତ ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିବ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଜେଡ଼୍ ଆସିବ। ତ ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଟିଜର୍କୁ ଯଦି ଏଡ୍ କରିବା କ'ଣ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟିଜର୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟିଜର୍ ମିଳିବ। ସୋ ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ମୁଁ ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିପାରିବି କି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଜେଡ଼୍ଟା ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଜର୍। ତ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ, ଏଇଠୁ ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ଟା ଦିଆହେଇଛି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ, ସିମେଟ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ରିଲେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଡିସନ, ମିନ୍ସ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଇଫ୍ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସ କମା ୱାଇ, ସଜ୍ ଦେଟ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 4/x ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଏକ୍ସଟା ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବି ସେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏକ୍ସ କମା ୱାଇ, ସଜ୍ ଦେଟ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0, ସରି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0 ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଆର୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବିଟା କ'ଣ ହେବ। ଠିକ୍, ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ସେଟ୍ଟାକୁ ମୁଁ କନ୍ସିଡ଼ର କରୁଛି, ତ ଏ ସେଟ୍ଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ କନ୍ସିଡ଼ର କଲି, ସପୋଜ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ମୁଁ ୱାଇ ନେଇଗଲି, ତ ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ୱାଇ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲଗାଉଛି କି ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 4/x ଦିଆହେଇଛି, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ୱାଇ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ଲଗାଇବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 4/y ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ, ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ପାଇଲେ 4, ତ ୱାଇର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଲା, +-2 ଆସିଲା କି ନାହିଁ, +-2 ଆସିଲା। ତ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ୱାଇର ଭାଲ୍ୟୁଟା ହେଉଛି +2 ଆଣ୍ଡ ୱାଇର ଭାଲ୍ୟୁଟା ହେଉଛି -2। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯଦି ୱାଇର ଭାଲ୍ୟୁଟା ହେଲା +2, ତ ଦେଟ୍ ମିନ୍ସ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁଟା କେତେ ହେବ, ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁଟା ବି +2 ହେବ। ଯଦି ୱାଇର ଭାଲ୍ୟୁଟା ହେଲା -2, ତ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁଟା କେତେ ହେବ, ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁଟା ବି -2 ହେବ। ସୋ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ରଖିବା, ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁଟା +2, ତ ୱାଇର ଭାଲ୍ୟୁଟା ବି +2 ଆସିବ। ବଟ୍ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁଟା ଆମେ -2 ଏଠି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଏଠି ରଖିପାରିବା ବଟ୍ ଏଠି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଇଛି କି ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0 ଥିବା ଦରକାର। ସୋ ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ତାହେଲେ ଆମର -2 ବାଲା କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ଆସିପାରିବନି, -2 କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ଆସିପାରିବନି, ମାନେ ଏଇ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆମର ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝି ଆସିଲେ କି ନାହିଁ, ତ ଏଇ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ଯଦି ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରିବ ନାହିଁ, ତା ମାନେ ବି ସେଟ୍ରେ ଆସିବନି, ଏ ସେଟ୍ରେ ତ ଆସିଯିବ ବଟ୍ ବି ସେଟ୍ରେ ଆସିବନି, ବି ସେଟ୍ରେ ଆସିବନି ମାନେ କମନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ହିଁ ମିଳିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2,2। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ, ସିଙ୍ଗଲଟନ୍ ସେଟ୍। ଯଦି ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ଦିଆ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ହାଜ୍ 2 ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍। ବୁଝି ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ସୋ ଯେହେତୁ ଏଠି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି କି ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0, ତ ଆମେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ଲଗାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଏନ୍ ସିଙ୍ଗଲଟନ୍ ସେଟ୍, ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆସିପାରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2,2। ବୁଝି ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନ୍ ଚାପ୍ଟର କରେଇଲି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଆସିଥିବ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।